नाजरीन जोड़े पुल का ये बाजार है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, लोग ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, और हम इस ईद को भी सियासी बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। भाई क्या हाल है, मजे दिए? कौन? हाँ जी बहुत मजे दिए। वोट किन्नू पाया सी? वोट किसे ने मिले? क्यों वैसे तब्दीली नहीं हैगी, मतलब कारोबार नहीं है, किन्नू पाइए वोट? कोई चंगा नहीं लगता, कोई भी नहीं चंगी, ऑप्शन नहीं चंगी यार, कोई तो चंगा होना है, कोई भी नहीं भाई। अच्छा हाँ जी, आप वैसे बुरे बन गए हो वोट ना पा? बुरे नहीं, सही। देखो कुछ बेहतर होंगे फिर कुछ और बेहतर होंगे, जो बेहतर लगता है वोट पाना सी, वोट पाया करो लाजमी। आपने वोट दिया था भाई? मौजूद हूँ और दो पीपी आती है, पीपी 156 और पीपी 157। पीपी 157 का ये इलाका है जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ और लोगों से गुफ्तगू शामिल कर रहा हूँ लोगों की, और उनसे तासरात जान रहा हूँ कि वोट किसे दिया था और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बनने जा रही है नहीं, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता है उनसे? सामने कभी कैसे हैं आप? अलग वोट दिया था? नहीं, किसी वजह से नहीं दिया। पहले ना कर दिया इन्होंने, क्या वजह थी, वोट क्यों नहीं दिया आपने? बस वो आईडी कार्ड ज़रा मिसप्लेस हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वोट देते हैं किसे देते हैं आप? पीटीआई को। गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की? गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की, अच्छी उम्मीद है कोई? इंशाल्लाह। पहला काम क्या करना चाहिए तरीके इंसाफ को? देखिए पहला काम तो ये है कि जितना जो इन्होंने लूटा हुआ है पैसा वो वापस लेकर आए, जैसे इनको सजाएं मिल रही है, पते की बात की, वैसे इनको पैसा वापस लेकर आएंगे तो फिर ही बनेगा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, पते की बात कर दी इन्होंने। आपने कहा था कि पैसा वापस लेके आएंगे, कौन का आपने हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में चोर कहा मुखालिफिन को, और इस तरह के अल्फाज मैं तो यूज़ नहीं कर सकता लेकिन आपने यूज़ किए। बहरहाल आपने जो वादा किया था कि कौम का पैसा वापस लाना है, आपको पैसा वापस लाना पड़ेगा अगर आपने लोगों के दिल जीतने हैं तो। नाजरीन एन 129 में जोड़े पुल से चलते चलते अभी मैं पहुंचा हूं सदर बाजार के अंदर। पीपी 157 है, ख्वाजा सलमान रफीक साहब यहां से कामयाब हुए हैं और शुएब सदीकी जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक मजबूत कैंडिडेट थे, उन्हें शिकस्त दी उन्होंने। लोगों की राय शामिल कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप क्या तासरात हैं इस इलेक्शन के बाद। हाथ मिला लें, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। वोट दिया था? वोट दिया। किसे? शेर को। शेर को, शेर जीत गया, खुश हैं आप? खुश हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अब क्या उम्मीद है, गवर्नमेंट तो तरीके इंसाफ की बन गई ना जी, क्या कहेंगे, कोई अच्छी उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो वैसे नहीं दिखती अब तो, फिर भी देख लें क्या होता है। नहीं दिखती उम्मीद जी? अच्छा अच्छा, ये नून लीग के वोटर हैं और इन्हें उम्मीद नहीं दिखती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आने वाली गवर्नमेंट से। वोट किसे दिया था? इन्हों का वोट उसी पाया जी? मैं अपना वोट पाया। शेर नू पाया? शेर नू पाया, डर क्यों रहे थी पहले? मैं डर नहीं रहे, वैसे देखो पूछ रहे तुसी पाए नहीं होगा फिर वोट। शेर नू पाया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नाजरीन सदर बाज़ार में मैं मौजूद हूँ और आम दिनों में भी इस बाज़ार के अंदर रश होता है क्योंकि अब ईद चुके करीब है तो लोग ईद की शॉपिंग में भी मसरूफ हैं और रश बहुत ज़्यादा है। हम ईद को सियासी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक हो जी? जी वोट किन्नू पाया जी? पीटीआई। पीटीआई जी? पीटीआई थोड़ा आगे आ जाए जी। पीटीआई यहाँ से हारी क्यों है अब्दुल अलीम खान साहब? उसकी हारने की वजह ये है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं आई। नहीं तो ज़िमनी इंतखाब हुआ था पहले, जब 122 था तब ये हल्का, तब भी हार गए थे वो? नहीं यहाँ गया तो अपना जो है PMLN है, 30 साल से हुकूमत उनकी है, बल्दियाती इलेक्शन के जो नुमाइंदे वो भी उन लोगों के हैं, हर स्तर पे नुमाइंदे उनके हैं। नहीं अब तो निगरान हुकूमत है ना, वो तो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि जमात धांधली हुई है। नहीं धांधली की नहीं, मैं कहता बात जो वो 25-30 साल से एक मैदान में काम कर रहे हैं और पीटीआई वाले लोग अब आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जारी बात है लोगों के अपने ताल्लुकात देखते हैं। आप ये बताएं कि पहली दफा गवर्नमेंट बन गई तरीके इंसाफ? हाँ जी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे अब? बस इमरान खान से जो उम्मीदें हैं और अल्लाह पाक उसको वादों ये पूरे करने की तौफीक दे, हम तो ये यकीन करेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे उसकी क़यादत में, और हम लोगों को उम्मीद एक रखनी चाहिए, उम्मीद और यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारा मुल्क चेंज होगा अल्लाह करे जी। दुआएं दे रहे हैं और इमरान खान साहब को भी, साथ ही साथ मुल्क को भी, पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब जाना चाहिए। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वोट किसे दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को यहाँ से क्यों आ रही पीटीआई यार? हारी क्यों पीटीआई? हाँ बस यहाँ उसका हल्का नहीं था। अच्छा मुझे ये बताएं गवर्नमेंट बन रही तरीके इंसाफ की, क्या उम्मीद है आप?
हमें तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, तो अच्छी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है। और इंशाल्लाह काम ना किए उन्होंने जी, अगर काम ना किए हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है पीटीआई पे। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला वो अपने पूरे मियार पे उठेगी, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह के वो उन्होंने इतने साल से यानी कि वो इस फील्ड पे करते आए हैं सब कुछ, ठीक है, तो हमें तो पूरी उम्मीद है। चलो जी, आपकी पूरी उम्मीद है और लग रही है आपकी उम्मीदें टूटे ना। ईद की तैयारियाँ और लोग अपने जानवर जो है कुर्बानी के जानवर है उसे लेके भी फिर रहे हैं, उसे सैर करा रहे हैं कुर्बानी से पहले, सामने सिगरेट ना पिया करें, नुकसानदेह है। वोट किसे दिया था? पीटीआई को। क्यों दिया पीटीआई को वोट? चेंज के लिए। अपने आप में भी चेंज लाए ना आप? अपने आप में भी चेंज ले आए। अब देखें ना, फेंके ना सिगरेट को आप? नहीं, इतने जल्दी तो नहीं चेंज आते। अभी ये 22 साल बाद आया चेंज। उम्मीद है अच्छी? उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो अच्छी। लेकिन साहब जो है गवर्नमेंट में आ गई है, ये अच्छी उम्मीद है हमसे? देखें, उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं उनसे। अब जो जो उसने कमिटमेंट्स किए हैं इमरान खान ने, होपफुली अगर वो उसको पूरा उतरता है उस पर, तो अगर पूरा नहीं उतरते फिर पूरा ना उतरते तो फिर ही विल बी नो मोर इन पॉलिटिक्स। ओके, ही विल बी नो मोर। इमरान खान साहब, यू विल बी नो मोर अगर आपने काम शाम नहीं कराए तो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आप नाराज हैं शायद। नाज़रीन, सदर बाजार का इलाका है जहाँ में मैं मौजूद हूँ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। बेटा क्या खरीद रही हो आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद की शॉपिंग हो रही है बच्चों की जी। महंगाई तो नहीं है? महंगाई है अभी बस। अच्छा, मुझे आप बताएं आपने वोट किसे दिया था? हमने इमरान खान। इमरान खान साहब से? यहाँ से इमरान खान साहब का जो नुमाइंदा था अब्दुल अलीम खान, वो हार गए हैं जी। लेकिन गवर्नमेंट बन रही है तरीके इंसाफ की, कोई अच्छी उम्मीद है जी? जरूर। कोई मैसेज देंगे आप इमरान खान साहब को? हाँ, बस ये कहेंगे कि हम लोग ने बहुत उम्मीद की है उनसे, तो वो हमारी जो उम्मीदें हैं पूरी करें हमें। इमरान खान साहब, बड़ी उम्मीदें हैं आवाम की आपसे, तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शॉपिंग हो गई ईद की? हाँ जी, हो गई। कितनी रह गई है? बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। चले, मुझे बताएं वोट किसे दिया था? वोट मैंने किसी को भी नहीं दिया। क्यों? देना था लेकिन वो बस दे नहीं सका। वोट देना किसे था ये बताएं? इरादा तो पीटीआई को देने का। चले, आप गवर्नमेंट बननी तरीके इंसाफ की, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि मुल्क के लिए बेहतरी कोई लाएं। बेहतरी आएगी, उम्मीद है? उम्मीद तो बड़ी है। आपने किसे किया था वोट? मैंने भी किसी को नहीं दिया। ये हस्बैंड आपके? जी, मेरे हस्बैंड। आप मतलब दोनों ने वोट नहीं किया? मतलब क्यों नहीं? जाना था, जाना था लेकिन हम लोग नहीं जा सके किसी वजह से। अच्छा, आपने वैसे किसको सपोर्ट करती हैं आप, तरीके साहब को या नून लीग को? हम लोग समझ लें कि बस किसी की तरफ ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। अच्छा, चले आप मुझे बताएं कि एक नई हुकूमत हालात अच्छे हो जाए तो हम लोग। अब एक नई हुकूमत आई है, कोई अच्छी उम्मीद है? कोई मैसेज देंगे आप? उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद है, अल्लाह करे कि अच्छा ही हो मुल्क के लिए, मुल्क के हक में अच्छा हो। बहुत शुक्रिया आपका जी, मुल्क के हक में बेहतर होना पड़ेगा इमरान खान साहब को। वैसे जी, क्या हाल है? की बेच रहे हो? मीठा है जी, मीठा है जी। ये तो कड़वा होता है वैसे, मैं बचपन से खाता था लेकिन मुझे मीठा लगा नहीं कभी। देखें आप। अच्छा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। मुझे बताएं वोट दिया था आपने किसे? इमरान खान। इमरान खान साहब को। आपकी क्या उम्मीद है इमरान खान साहब से? बस बेहतरी आएगी आगे, क्योंकि ना तरीके साहब के जो वोटर्स हैं ना उनके बारे में ख्याल ये तो किया जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं या एलीट क्लास हैं। आप माशाल्लाह से हलाल के मारे अपना काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है? देखिए जी, बात ये है कि चलो नए आदमी को मौका देना चाहिए, शायद मुल्क की तब्दीली आए। ठीक है, नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर हो? बस हम कहते हैं बस मुल्क के लिए अच्छा सोचे, मुल्क के लिए अच्छा सोचे और मुल्क के लिए अच्छा करें। बिल्कुल, आपकी हालत बदल जाएगी इस तरह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, नहीं बहुत शुक्रिया आपका, आप बेचिए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है कि अपने कारोबार का नहीं सोच रहे, अपनी बेहतरी की उन्होंने बात नहीं की, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए बस अच्छा होना चाहिए इमरान खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। वोट दिया था किसको? शेर को। शेर यहाँ से जीत गया, खुश हैं आप जी? सर, क्या कहेंगे इलेक्शन के बाद, अब क्या उम्मीद है आपको? देख रहे हैं आप, जैसे आपको मैसेज करता हूँ, लोग तो ये कह सकते हैं कि तब्दीली आएगी, क्या करता है इमरान। अच्छा जी, वोट नून लीग को दिया लेकिन फिर भी कह रहे हैं तब्दीली आएगी, क्या उम्मीद है वैसे इमरान खान साहब से? आप काफ़ी उम्मीद है लेकिन अब कह नहीं सकते। अच्छा, कहता है कि बंदों के लिए करेंगे। चले, कहता तो देखेंगे भी अब जी इमरान खान साहब क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। वोट किसे दिया था आपने? शेर को। थोड़ा सा ज़रा इधर हो जाए ताकि आप हमें इसी तरह
शेर को वोट दिया था, क्यों दिया था शेर को वोट? बस पसंद है शेर, पसंद है। अच्छा, तरीके इंसाफ से है कोई उम्मीद? हाँ उम्मीद है, कैदू रहे नौकरी देंगे, अच्छा दें जो आजकल की नौजवान नस्ल। अच्छा, अगर इमरान खान साहब ने नौकरियां दे दी, काम शाम कर दिए अच्छे, हाँ तो फिर ठीक है। अच्छा तो फिर वोट देंगे इसे आप? हाँ जी देंगे, देंगे। अच्छा नहीं जी, फिर वोट देंगे तरीके साहब को। भाई आप कैसे हैं यार, काम सब ठीक चल रहा है? पक्की गल है, वोट किसे दिया था? वोट दिया था एक लबाई को और एक शेर को। है बोले तो तरीके लबैक इसलिए वोट दिया था कि शेर को नहीं वोट देना, तो आपने ही दो क्यों किए? सर वो शेर को वोट दिया था पंजाब के लेवल। अच्छा चलिए आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट बन रही तरीके इंसाफ की, अच्छी उम्मीद है? नहीं कोई उम्मीद नहीं साढ़े यार खान साहब, कोई उम्मीद नहीं है। क्या हाल है जी, वोट दिया था आपने? नहीं भाई। क्यों? आईडी कार्ड नहीं था पास में यार, आईडी कार्ड अरेंज पहले किया करें, पाँच साल में चलान हो गया था उसकी वजह से। लेकिन चलान भी तो गलत तो नहीं हुआ होगा ना, वन में आप आ रहे हो गया ना? नहीं नहीं वन में नहीं, हेलमेट नहीं पहना हुआ। चले हेलमेट पहना करें, आपकी सेफ्टी होती है।